नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। श्रीनगर में आत्मघाती हमले की साजिश नाकाम, दो आतंकी के साथ साथ एक मददगार ढेर। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में एक बड़े आत्मघाती हमले की साजिश को नाकाम बनाते हुए दो आतंकियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। इस दौरान आपको बता दें, आतंकियों का एक मददगार आतंकियों की ही गोली की चपेट में आकर मर गया है। मरने वालों में एक त्राल का 11 दिन पुराना आतंकी अमीर अहमद और तांत्रे और दूसरा जम्मू संभाग में बनिहाल का रहने वाला आमिर था। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों की हवा हुई दम घोटू, खतरनाक बनते जा रहे हालात। दिल्ली और इससे सटे आसपास के राज्यों के इलाकों में हवा का स्तर बेहद ही खराब रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताजा आंकड़े चिंता को और बढ़ाने का काम कर रही है। जानकारी के अनुसार सुबह से ही हवा में बेहद बारीक जानलेवा कण, जिनको PM 2.5 कहा जाता है, बेहद अधिक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मंगलवार 16 नवंबर की सुबह 7 बजे दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 11 में AQI का स्तर 999 रिकॉर्ड किया गया, जो काफी बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। प्रदेश को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पीएम मोदी 340 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लगे हैं, जबकि इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस एक्सप्रेसवे से सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे से 9 जिले जुड़ेंगे। लखीसराय में LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक और सूमो की टक्कर में 6 की मौत, सभी एक ही परिवार के। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखीसराय जिले में सिकंदरा शेखपुर NH 333 पर हसली थाना क्षेत्र के पीपरा गांव स्थित उत्क्रमी मध्य विद्यालय के समीप मंगलवार को सुबह ट्रक और एक सूमो गोल्ड वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई है। इसमें सूमो पर सवार चालक सहित एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सूमो पर कुल 10 लोग सवार थे। खुर्शीद ने कहा, हिंदुत्व देखना चाहते हो तो नैनीताल में जला हुआ मेरा घर देख ले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का नैनीताल स्थित घर जला दिया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, उनके घर पर पथराव भी हुआ है। सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या नामक एक किताब लिखी है, जिसको लेकर ये विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना एक संगठन से की है और उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक भी बताया है, और इसी को लेकर काफी विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।